अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लाइफस्टाइल विद लोटस के प्लेटफॉर्म से कवल अनीस। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस मिल्क केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में उतना ही ज्यादा डिलीशियस। बाय द वे, आज इस रेसिपी को हम शेफ नुसरत की किचन में बना रहे हैं, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा वनीला फ्लेवर का स्पंज केक, फिर उसके बाद 1 कप डेरी क्रीम और व्हिपिंग क्रीम भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स लिए हैं और 1/2 कप पाउडर शुगर लिया। तो चलो अब मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक की कटिंग करेंगे। अच्छा, ये केक जो है मैंने खुद बनाया है, मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड की हुई है प्लेन केक की, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैं डाल दूंगी उसका लिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखी। तो यहाँ पे इस तरह के आप कोई भी कंटेनर ले लो, बाउल ले लो, जिसमें हम शिफ्ट करेंगे केक। अब 1 कप डेरी क्रीम को हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये स्मूथ और फ्लफी हो जाए। फिर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हम पाउडर शुगर हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं स्पून से इसलिए मिक्स कर रही हूँ, अगर डायरेक्ट बीटर चला दूंगी तो वो सारा किचन मैसी हो जाएगा, इस वजह से पहले स्पून से मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आप बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लें, तो ये अच्छे से शुगर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। इस तरह करके हमने ये क्रीम रेडी करनी है। व्हिपिंग क्रीम भी मैंने ली है, उसका शॉट नहीं हो सका रिकॉर्ड, उसको भी अच्छे से बीट करके एक बॉल को हम साइड करके रख लेंगे। तो यहाँ हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अब इन कंटेनर्स में हम मुझे इसको रखना है, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम डालूंगी इस तरह से, क्योंकि अगर डायरेक्ट केक डाल दिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट लेयर लगाएंगे हम क्रीम की, और ये डेरी क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम की हम टॉप पर लगाएंगे। तो पहले हम डेरी क्रीम की एक सही तरीके से लेयर लगा लेंगे, फिर उसके बाद केक के पीसेस करके हम इस बॉल में शिफ्ट करेंगे और इस क्रीम को कवर कर देंगे इन केक के पीसेस से। दोनों हम कंटेनर्स के साथ ऐसे ही करने वाले हैं। जब केक की लेयर कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर आपने मिल्क जरूर थोड़ा सा डालना है। मिल्क आप थोड़ा सा उसके अंदर शुगर ऐड करके, शुगर को डिजॉल्व करके आप मिल्क डालिएगा, ताकि केक थोड़ा सा हमारा स्मूथ और सॉफ्ट सा हो जाए। तो यहाँ पर केक अच्छे से सेट हो गया और मिल्क भी हमने इसके ऊपर ऐड कर लिया था। देन अब उसके बाद दोबारा से हम डेरी क्रीम की एक और लेयर लगाएंगे, अच्छे से केक को कवर कर देंगे कि केक नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस क्रीम में आप पाउडर शुगर की जगह कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बस ये है कि उसमें मीठा थोड़ा तेज़ हो जाएगा, लेकिन अगर आप मीठा मुनासिब खाते हो तो फिर आप कंडेंस मिल्क मत ऐड कीजिएगा, जो हमने पाउडर शुगर ऐड की है उसी तरह से बनाइएगा। और यहाँ स्मॉल बॉक्स तो कवर हो गया, उस पर तो लाइनिंग नहीं लग सकती थी, मगर हाँ एक इस बॉक्स में जगह बच रही थी, तो मैंने सोचा एक और केक की लेयर हम लगा देते। तो इस तरह से मैं इसको फिर से क्रीम को कवर कर रही हूँ। देन उसके बाद अगेन सेकंड लेयर पे हम क्रीम से इसको कवर कर रहे हैं। मगर ये याद रखिएगा कि आपने जब भी क्रीम लगानी है तो उससे पहले आपने मिल्क ज़रूर ऐड करना, क्योंकि ये मिल्क केक है, ये सॉफ्ट होगा, नरम होगा, तो मुँह में खाते ही खुल जाएगा। तो अब हम आ गए हैं फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। व्हिपिंग क्रीम हम यहाँ पर लेंगे और उसकी एक एक लेयर हम दोनों बाउल पर सेट कर देंगे, स्पून से ही कर दें, आप चाहो तो नोजल में फिल करके भी कर सकते हो पाइपिंग कोन में, लेकिन इसमें कोई हमें डिज़ाइन तो बनाना नहीं है, तो स्पून से ही कर लो, इजीली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्पून से स्प्रेड कर ली दोनों बाउल्स पे कुछ इस तरह से। अब मैं चॉकलेट सॉस से डिज़ाइन कर रही हूँ। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम पे अनबॉक्सिंग स्टोरी देखी होगी तो मैंने ये सेल से ऑर्डर किया था, इसका टेस्ट बहुत मज़े का, और ये सिर्फ ना मेरे बहुत काम आता है इस तरह के डिज़र्ट्स में। एक तो डेकोरेशन बहुत ईजी हो जाती है मेरे लिए, फिर टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। देन उसके बाद फाइनल टच अब हम चॉकलेट चिप्स से कर रहे हैं। चॉकलेट चिप्स में यहाँ पे डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा डालो कम डालो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा मिल्क केक रेडी हो गया है। देखो कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन हुई है और खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी है। तो ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो। अच्छा, ये रेसिपी ना मम्मा ने अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए बनाई थी, तो ये मैंने जब इसको टेस्ट किया ये मुझे बहुत मज़े का लगा, तो मैंने कहा मम्मा क्या मैं ये अपने चैनल पे भी शेयर कर सकती हूँ वीडियो, तो मम्मा ने मुझे कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो तब मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी अपने चैनल पर। तो आप मम्मा को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ स्क्रीन शॉट अटैच कर दूँगी। बाकी हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।